अखरोट के फायदे मीन्स वॉलनट्स बेनिफिट्स। दोस्तों, अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि कैंसर, मधुमेह, थायराइड आदि और भी कई प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए ये उपयोगी और फायदेमंद है। फ्रेंड्स, अखरोट बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। बहुत सी दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की अनचाही चर्बी को भी कम किया जा सकता है। वॉलनट बेनिफिट्स फॉर हेल्थ। अखरोट के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे हैं। इसे बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि वॉलनट फॉर हार्ट मीन्स हृदय के लिए। अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल पाया जाता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर दिन कुछ अखरोट खाने से शरीर में खून के स्राव को संभाला जा सकता है। ये ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बढ़ावा देता है, इसलिए ये शरीर के लिए फायदेमंद है। इम्यूनिटी के लिए अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को स्वस्थ करता है और बीमारियों को शुरुआत से रोकता है। हर रोज अखरोट को भोजन में शामिल करना स्वस्थ रहने के लिए फायदेमंद है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अखरोट। अखरोट में पाया जाने वाला ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल मस्तिष्क के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये नर्वस सिस्टम को आसानी से चलने में मदद करता है। इससे याददाश्त भी बढ़ती है। स्तन कैंसर के लिए अमेरिकन संस्था ने कैंसर के लिए बहुत से अनुसंधान किए और 2009 में इस अनुसंधान को जारी किया कि हर रोज़ अखरोट खाने से स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में सहायता मिलती है। विद्रोहजनक बीमारियों के लिए अखरोट। अखरोट में पाए जाने वाले चर्बीदार अम्ल से विद्रोहजनक बीमारियां जैसे आस्थमा, गाठिया रोग और खुजली में बहुत फ़ायदा मिलता है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए अखरोट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्बीदार अम्ल पाया जाता है, जिसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। अखरोट में पाया जाने वाला ओमेगा 3 चर्बीदार अम्ल विद्रोहजनक बीमारियों के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत और बहुत अच्छा बना सकता है, अच्छी नींद और तनाव के लिए। फ्रेंड्स, अखरोट में मेलाटोनिन होता है, जो कि नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला अम्ल खून के स्राव को संभालकर तनाव को दूर करता है। वॉलनट्स फॉर प्रेगनेंसी मीन्स गर्भावस्था के लिए। अखरोट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट आदि होते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कब्ज और पाचन सिस्टम के लिए। अखरोट में फाइबर होता है, जो कि पाचन शक्ति को सुचारू रूप से चलाता है। अखरोट का सेवन करने से आंतों में भी फायदा मिलता है। साधारण प्रोटीन के स्रोतों जैसे मीट, रोस्ट के उत्पाद आदि में फाइबर कम मात्रा में होता है। डायबिटीज को रोकने के लिए अखरोट शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड चर्बीदार अम्ल होता है, जो कि लीवर में इंसुलिन की रचना करने में सहायक होता है। अखरोट में मिनरल्स और फाइबर होते हैं, जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आंतरिक सफाई के लिए अखरोट हमारे आंतरिक भाग का वैक्यूम क्लीनर होता है, जो कि अंदर की सफाई करता है। इससे पाचन सिस्टम को अच्छे से चलने में सहायता मिलती है। वजन घटाने के लिए अखरोट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि वजन घटने में सहायक होते हैं, इसीलिए अखरोट वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा घातक है। फंगल इन्फेक्शन के लिए ये फंगस के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। फंगल इन्फेक्शन से पाचन शक्ति और त्वचा दोनों में प्रभाव पड़ता है। काला अखरोट फंगल के परिणाम के खिलाफ बहुत प्रभावकारी होता है, लेकिन इसके साथ दूसरा इलाज भी ज़रूरी है। अखरोट स्वास्थ्य और खूबसूरत त्वचा के लिए। वॉलनट फॉर स्किन। अखरोट स्वास्थ्य और खूबसूरत त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये निम्न प्रकार से त्वचा के लिए आवश्यक है। त्वचा का बुढ़ापन रोकने के लिए अखरोट त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है। ये तनाव को दूर करने में सहायक होता है, जिससे त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ती। अखरोट में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि त्वचा का बुढ़ापन रोकने के लिए फायदेमंद है। त्वचा में नमी के लिए अखरोट के तेल को हल्का गर्म करके सूखी त्वचा में हर रोज लगाना चाहिए। इससे त्वचा को नमी मिलती है और त्वचा स्वस्थ रहती है। आँखों के काले घेरे के लिए
अखरोट के तेल से रोजाना आंखों की मालिश करना चाहिए। इससे आंखों को तनाव मुक्त और साथ ही आंखों के काले घेरे को साफ किया जा सकता है। त्वचा के निखार के लिए वॉलनट फेस पैक। फ्रेंड्स, त्वचा में निखार लाने के लिए 4 अखरोट, 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच मलाई और 4 बूंद जैतून के तेल को साथ में पीस कर मिला लीजिए और इस मिश्रण को त्वचा में लगाइए। कुछ समय बाद गर्म पानी से धो लीजिए, त्वचा के रंग में निखार आएगा। अखरोट त्वचा को संक्रमण से भी बचाता है, इसीलिए ये फायदेमंद है। अखरोट स्वास्थ्य बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मीन्स वॉलनट्स फॉर हेयर। अखरोट बालों के लिए भी सहायक घटक है, इससे निम्न प्रकार के फायदे होते हैं। लंबे और मजबूत बालों के लिए अखरोट में पाए जाने वाले तत्व जैसे पोटेशियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 चर्बीदार अम्ल होते हैं, जो कि बालों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। अखरोट के तेल से बालों को लंबे, मजबूत, स्वस्थ और कोमल बनाया जा सकता है। गंजेपन को रोकने के लिए अखरोट के तेल को बालों में लगाने से गंजेपन की परेशानी से बचा जा सकता है। रूसी के लिए। फ्रेंड्स, बालों में रूसी की समस्या रूखे बालों की वजह से होती है। अखरोट के तेल से बालों को नमी मिलती है, जिससे बाल रूखे नहीं होते। इससे रूसी की समस्या से बचा जा सकता है। इस प्रकार बालों के लिए अखरोट बहुत अच्छा उत्पाद है। इससे और भी बहुत से फायदे हैं। अखरोट के दुष्प्रभाव। अखरोट के फायदे के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी है, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अखरोट से एलर्जी। अखरोट 8 एलर्जी खाने में से एक है। अखरोट से एलर्जी भी हो सकती है, जिसे बचने के लिए उपयुक्त इलाज करना ही सही है। अन्य औषधियों के साथ प्रतिक्रिया। अखरोट अन्य औषधि के साथ विपरीत प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए इसे डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग में नहीं लाना चाहिए। त्वचा के कैंसर। काले अखरोट में कुछ रासायनिक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो कि त्वचा में कैंसर जैसी समस्या को पैदा कर सकती हैं। कोशिकाओं के DNA में बदलाव। काले अखरोट में कुछ रासायनिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के लेवल को कम कर देते हैं, जिससे DNA सेल खराब हो जाती हैं और परिणाम बहुत ही घातक होता है। अखरोट से अश्व विद्रोहजनक बीमारियों का प्रभाव बढ़ता है। अखरोट में पाए जाने वाले कुछ तत्व शरीर से आयरन को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे आयरन की मात्रा कम हो जाती है। अखरोट से लीवर और किडनी भी खराब होने का खतरा होता है। अखरोट से त्वचा में खमोरिया भी फैल सकती हैं। अखरोट से बच्चों के जन्म में भी त्रुटि हो सकती है। अखरोट शरीर के तरल पदार्थ को सूखा देता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। अखरोट का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इसे उपयोग में लाना बहुत ही कठिन साबित होता है। इस तरह अखरोट खाने से कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है, इसीलिए अखरोट का इस्तेमाल संभव कर और डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।